नमस्कार दोस्तों, आल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज का गेम प्ले बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि भाई सबसे पहले हम लोग जब उतरते हैं ना कहीं पे भी, स्टेडियम, थर्ड एल, वेयर हाउस, कहीं पे भी उतरते हैं तो उतरते ही भाई हम लोग ऊपर टीम उतर जाती है, भैया मार कूट करके बराबर कर देते थे। देखो भाई एक टीम हम लोगों से आगे जा रही है, देख सकते हो मैं कितना पीछे हूँ, वो कितना आगे है। ठीक है, तो भाई एक टीम तो ये हो गई। ठीक, अब देखो सबसे पहले तुम्हारा भाई असॉल्टिंग करके आपको दिखाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट गेम में स्नाइपिंग करके दिखाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना पूरे गेम को। तो भाई पहले तो जो गन मिल जाए उसको उठा लो। फिलहाल तो ये गन जो मुझे मिली है टिंडे जैसी, ये बहुत ही बेकार गन है। ठीक है, तो इसको फटाफट से उठाते हैं और कोई अच्छी सी गन ढूंढ लेते हैं। तो भाई दूसरी गन मिली, वो भी यही टिंडे वाली मिल गई। ये भाई ब्रस्ट गन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी किसी को बहुत ज्यादा पसंद आती है लेकिन यार मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ किट भी मिल गई, यानी मेडिकेट मिल गई। अब फाइनली मुझे एक कोई ऑटो गन मिल जाए बस, फिर मैं इनके ऊपर टूट पड़ूँ, जाकर रस कर दूँ दोनों के ऊपर, क्योंकि भाई चार बंदे हैं जैसा कि आपको पता है और हम लोग हरदम एक उसमें रहते हैं। मतलब जब भी तुम उतरो स्टार्टिंग में, तो या तो फिर स्टेडियम में अगर उतरे हो तो या तो इस तरफ चारों लोग आ जाओ या तो फिर उस तरफ, ये नहीं कि दो लोग यहाँ दो लोग वहाँ। अगर ऐसे हो जाओगे ना तो चार लोग मिल के तुम दो लोगों की पेटी बना डालेंगे फटाफट से। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उन चार में से अगर दो को भी गन मिल गई ना तो तुम्हारा कल्याण पक्का है, क्योंकि भाई वो चार ढूंढ रहे हैं तुम दो ढूंढ रहे हो, किसी न किसी हाथ में तो पड़ ही जाएगी गन, और जिसको मिल गए वो पेटी बना देगा। तो ऐसे अगर चार लोग एक जगह रहोगे तो आराम रहेगी तुमको, क्योंकि भाई वहाँ पर जल्दी से कोई बंदा आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन देख सकते हो यहाँ पर एक बंदा आया था, मेरे टीम मेट ने भाई उसकी पेटी बना दी, दूसरे को नॉगिन डांस करा दिया। मतलब इन लोग के पास अभी लूट नहीं थी, एक एक गन लेके सीधा आ गए थे रस करने। मतलब बंदे होते हैं ना कि एक गन उठाते हैं रस करने आ जाते हैं, भाई इनको लग रहा था हम लोगों के पास गन नहीं है लेकिन हम लोगों को गन मिल चुकी थी जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई देख सकते हैं भाई एक दो तीन चार, चार बंदों के फुटप्रिंट आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये चारों बंदे कहाँ पे हैं उससे उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये नॉक वाला घूम रहा था तो हमने सोचा इसको भाई निपटा ही लेते हैं, इससे थोड़ा बहुत तो केडी में फर्क पड़ ही जाएगा। तो मैंने इसको निपटा के इसका किल चोरी कर लिया। ठीक है, लेकिन ये बंदा रहा, देखो भाई ये जिगल का फूफा है, क्या ही बोलूं, मतलब इतना जिगल कर रहा था, जल्दी 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 जिगल किए जा रहा था। अबे भाई मेरे पास ऑटो गन नहीं है, ब्रस्ट गन है, एक बार बैठती है ना तो भाई पूरी छः गोलियाँ खोपड़ी में चली जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब क्लोज रेंज वाली तुम्हारे भाई को गन मिल गई थी, ये गन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करती है क्लोज रेंज में, याद रखना। अगर क्लोज रेंज में फाइट लेनी है ना भाई तो ये गन आपको उजी से भी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देगी भाई, जो नई आई हुई है ये जो हाथ में ली हुई, ये गन काफ़ी अच्छा है, डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। मैं इसको यूज़ किया हूँ पर्सनली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो फिलहाल मुझे एक ऑटो गन मिल गई थी, मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाओ भाई, एक नहीं चार आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आ गई थी ऑटो गन तुम्हारे भाई के हाथ में, और ऑटो गन आने के बाद फिर अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये कि इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि मतलब बंदा जल्दी से मार नहीं पाएगा। ठीक है, पीछे से मार दे, लेट के मार दे, वो बात अलग की है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मार पाएगा। तो यहाँ पे भाई अब हम ढूंढेंगे बंदे कि कहाँ पे हैं बंदे, क्योंकि चार बंदों के फुटप्रिंट आए थे, इसमें दो बंदे तो हमने मार दिए, एक दो बंदे मेरे टीममेट ने मार दिए, लेकिन यार बंदे अभी भी कहीं ना कहीं जीवित होंगे क्योंकि उनके फुटप्रिंट तो आ रहे हैं लेकिन बंदे नहीं दिख रहे किधर हैं किधर नहीं है। ठीक है, तो भाई इधर मेरे टीममेट ने भाई सीधा मार किया एनिमी द हेड, यानी कि इस तरफ कहीं बंदा है। चलो भाई देखते हैं किस तरफ है, जहाँ पे भी होगा पहले उसको लुढ़काएंगे, उससे पहले थोड़ा एक पौवा आधा मार लेते हैं, जिससे होगा क्या कि थोड़ा हेल्थ हेल्थ रिकवर हो जाएगी अगर कोई गोली वोली पड़ी भी कहीं से। तो यहाँ पे भाई हम लोग ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे तगड़े से फाइट हो सकती है, बंदे ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। कभी भी स्टेडियम, थर्ड एल ऐसी जगहों पे आना ना तो एक उंगली अपने ट्रिगर पे जरूर रखना। ये देखो भाई ये लोग मौके की तलाश में थे कि मतलब कोई सिंगल बंदा दिख जाए बस सीधा पेटी बना डालें, इसने वही प्लानिंग की, सिंगल बंदा देख के सीधा पेटी बना दी उसकी और भाई हम लोगों ने इसकी पेटी बना दी। मैंने जैसे कि बोला था क्लोज रेंज में ये गन बिल्कुल जहर है, जहर ये समझ लो, ये क्लोज रेंज में AKM और M4 को भी टक्कर दे सकती है, लेकिन लॉन्ग रेंज में कभी इसका गलती से भी यूज मत करना, नहीं तो तुम्हारी पेटी बनना पक्की हो जाएगी, ये याद रखना। क्लोज रेंज में अच्छा काम करती है लेकिन लॉन्ग रेंज में उतना ही बेकार काम करती है जितना ये क्लोज रेंज में अच्छा काम करती है, बस इसी से अनुमान लगा सकते हो। इसको बस इतना यूज करो 20 से 30 मीटर दूर पर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। मतलब बिल्कुल जब बंदे एक बिल्डिंग के अंदर हैं ऐसी जगह पे हैं तो ऐसी जगह पे आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे भाई देख सकते हो गाड़ी आ रही है, गाड़ी के फुटप्रिंट भी आ रहे हैं। चलो गाड़ी तो रुक गई, गाड़ी का एक बंदा भी दिख गया, इसको चलो ले लेते हैं लपेटे में। भाई हेल्थ काफ़ी गिरा दी इसने,
तो चलो फटाक से किनारे पे आएंगे, हेल्थ रिकवर करेंगे, क्योंकि बंदा नॉक है और अभी भी वो टीम जिंदा है। तो तुम्हारा भाई अभी भी शांति से नहीं बैठने वाला है। ओ भाई क्या ही किस्मत थी, आप देख सकते हो, मतलब क्या ही किस्मत थी, बंदे ने मेरे पे गाड़ी तो अभेरी, लेकिन यार थोड़ा सा बच गया, नहीं तो मतलब ये मुझे गाड़ी में ही अभेर के मार देता। यार ये क्या बंदा था, मतलब मेरा पिंक थोड़ा सा हाई हो गया तो इसके ऊपर मैं इतनी गोलियां मार रहा था, मर ही नहीं रहा था ये। चलो फिलहाल मैंने फिर से अपनी हेल्थ रिकवर की, क्योंकि भाई उसका पिंक सही था मगर मेरा लो था, जिसके कारण मैं बहुत मार रहा था गोली लेकिन मर नहीं रहा था वो। ठीक है, तो इसको तो चलो निपटा दिया अपने ने, लेकिन यार अभी भी कहीं ना कहीं एक बंदा तो अभी भी जीवित होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो रहा गाड़ी के पीछे लुका हुआ है, वो पिक करके मेरे दोस्त को मारना चाहता है, मेरे टीममेट को। ठीक है, जो कि अभी बचा हुआ, दो को तो ये लोग खा चुके लेकिन दो अभी बचे हुए हैं। अब देखते हैं भाई इसका एक टीममेट कहाँ पे है, क्योंकि भाई ये अभी भी नॉक हुआ है, मरा नहीं है, इसका मतलब है इसका टीममेट कहीं ना कहीं होगा। वो देखो उसके अंदर घुसा था। ओ भाई इसने भी तगड़ा वाला यार डैमेज दिया, देख सकते हो इसका भी डैमेज खतरनाक था, क्योंकि भाई शायद इस ये भी M4 वगैरह चला रहा था, तो भाई तगड़ा वाला इसने भी डैमेज दिया, लेकिन हमने इसको पीट दिया। ठीक है, और पीटने के बाद भैया अब अपने पास हो चुकी थी अनलिमिटेड वाली लूट, मतलब पूरी भरपूर लूट हो चुकी थी, दबा के लूटो और फिर आराम से बंदों को तोड़ मरोड़ के पीट पाट के बराबर करो दोस्तों। ठीक है, मतलब कुल मिला के अच्छी खासी लूट मिल गई थी तुम्हारे भाई को। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हेल्थ रिकवर करते हैं, उसके बाद फिर भाई एमओ, गन रिलोड, ये सब मतलब जैसे ही मौका मिले सबसे पहले भाई गन रिलोड करो, क्योंकि आपने कल वाला गेम प्ले देखा होगा, मैं पबजी राइट गेमर्स में डाला था, वहाँ पे भाई मैं इतना अच्छा गेम प्ले शूट किया था यार, लास्ट में केवल गन रिलोड में मर गया था, क्योंकि मैंने गन पीछे रख ली और याद ही नहीं रहा मुझे गन रिलोड करने का, मैंने गन उठा ली और भाई बंदा बिल्कुल सामने, दोनों गने खाली, ऐसे में मैं मर गया था। ठीक है, तो वो गलती अब यहाँ पर अपना नहीं करने वाले हैं। अब भाई यहाँ पर मुझे मिल चुकी थी AWM। अब देखो भाई ये वाला अगर शॉट पसंद आ जाए ना, तो दिल में हाथ रख के खूब ठोंक के लाइक मारना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। देखना ये बंदे ने मुझे हेल्थ डाउन की, मैंने इसको एक चपेटे में लिया पट से, बिल्कुल भाई क्या ही परफेक्ट वाला बैठा था, मतलब खोपड़ी में बैठा गंजे में, तो भाई गंजा बिल्कुल नंगा हो गया, टक से बैठा पट से लॉबी। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं वो बंदा टेढ़ा मेढ़ा बन चुका था, लेकिन यार वो बंदा मरा नहीं था, जैसा कि आपको पता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा तो बन गया था लेकिन मरा नहीं था। ठीक है, चलो देखते हैं, वो गंजा तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी एनिमी हो सकते हैं, क्योंकि भाई जोन का किनारा है, बंदे चारों तरफ से घूम घूम के आ रहे हैं और बंदे अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, 10 बंदे हैं, जिसमें एक बंदे को तो भैया फिर से लुढ़का दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बंदा गया जो मेरा टीममेट था, वो गया, ओ भाई ये गया। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जिनके दिमाग में ये चीज़ आ रही हो कि भाई यहाँ पे भी टीममेट मर गया था, जिंदा कैसे हो गया, तो भाई ये दो गेम प्ले का मिक्सअप है। ठीक है, मिक्सअप है, जो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये जिंदा मर कैसे रहे। ठीक है, ये दो गेम प्ले का मिक्सअप है, उसमें पूरा चिकन डिनर नहीं हुआ था, रेड जोन से निपट गए थे, इसलिए उसको हटा के यहाँ से आगे से चिकन डिनर वाला जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये देख सकते हो भाई यहाँ पे भाई आपको अच्छा खासा शॉट देखने को मिलेगा, वो भाई ये देखो पट से बैठी और ये अब जाएगा चट से लॉबी, देखना भी जैसे पड़ेगी ना, इस बार तो खा के गया है, अगली बार जब आएगा ना तो ये पचा के जाएगा, मतलब अभी खा के गया अभी पचा के जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं इसको, क्योंकि कहते हैं ना एक शॉट देने के बाद बंदे में खुजली आ जाती है, कहता है नहीं भाई इसने मुझे मारा है, मैं भी इसको मारूंगा, दिमाग में खुजली पैदा हो जाती है ना बंदों के, तो भाई अभी देखना ये आएगा, ये आएगा मेरे को मारने, लेकिन खुद ही जरा टेढ़ा मेढ़ा बन के चला जाएगा, क्योंकि इसको पता नहीं मेरे पास AWM है। ठीक है, और AWM का झटका खाने के बाद भाई चाहे खोपड़ी में बैठे चाहे पैर में, टेढ़े मेढ़े तो तुमको बनना ही बनना है, अगर नहीं भी बनोगे ना तो केवल जिंदगी तुम्हारे पास दिखाने के लिए होगी, जीने के लिए नहीं होगी। तो चलो भाई फटाफट से इनके ऊपर रस करते हैं और गेम को ख़त्म करते हैं। ये देखो भाई ये अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था, मैंने सीधा रस मारा और फाइनली चिकन डिनर भाई हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, मज़ा आ गया था भाई इस वाले गेम प्ले में, किल तो ज़्यादा तगड़े वाले नहीं हो पाए थे, लेकिन हाँ फिर भी मज़ा आ गया था, गेम खेलने में मज़ा आ गया था। ठीक है, आगे वाले गेम में किल काफ़ी अच्छे हो गए थे, लेकिन यार वहाँ पे लास्ट में रेड जोन फूट जाता है, जिससे कि गेम प्ले सब खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा इसका आगे का यूज करते हैं, तो भाई अब आधी गाड़ी हमने फोड़ दी है, अपनी गाड़ी रेड अलर्ट में हो गई है और हम लोग चिकन डिनर तो कर ही चुके हैं, तब पार्टी करेंगे। ठीक है, तो भाई लोग कमेंट करके बताओ यार ये वाला गेम प्ले कैसा लगा, और जिन लोगों ने इंस्टा ट्विटर फेसबुक में अभी फॉलो नहीं किया यार फटाफट से जाओ और फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ग्लिचेस
और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है, नई नई पोस्ट डालता रहता हूँ, तो जाके फॉलो कर लो, जिससे काफ़ी सारी जानकारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग कोलोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।